ये वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अगेन इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बनाते हैं, तो 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर अब 2x का टर्म क्रिएट करेंगे, 2 into 1 by 2 into x। अब 1 by 2 अगर है तो प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर हम टी मान लें तो रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका कि फॉर्मूला हमें पता है, करेक्ट? बस इतना सही था इसमें। अगेन अब ये क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा आप पहले दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं बताऊंगी। बहुत ही आसान है, इनफैक्ट जो अभी देखने में भले जो भी लग रहा है पर ये उसी टॉपिक का है जिस टॉपिक को अभी हम पढ़ रहे हैं। चलो सो एक काम करो, एक टर्म और यहां पे उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी इंप्लाइज cos x dx is equal to dt, तो therefore root over 4 minus t square dt, तो root over 2 square minus t square, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, 2x का टर्म क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स बिगिन। ऑलरेडी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 3/2 × x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये टी और ये ए, रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म, करेक्ट। चलो ऑलमोस्ट अब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ये रहा नेक्स्ट सवाल। दिमाग लगा लो इसपे थोड़ा सा, इनफैक्ट इसपे तो क्या ही दिमाग लगाना है, ये कंफ्यूज मत कर जाना, इसे मत परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में कन्वर्ट करने लग जाना आदत के कारण, जैसा कि अभी कुछ टाइम के लिए मैं कर रही थी। ये रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ये तो डायरेक्टली लग जाएगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा हुआ। सारी की सारी थ्योरी और जो भी पॉसिबल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आपने काफी अच्छे से, काफी सही से कंप्लीट कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आपको ये सारी थ्योरी याद है और सारे प्रॉब्लम्स आपने समझ लिया है अच्छे से, तो आपके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फुल मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड्स में। अब हम फॉर मोर प्रैक्टिस, और ताकि कोई भी कसर कहीं से ना छूटे, हम कल डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि बोर्ड्स में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तक क्या था कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक पे क्वेश्चंस कर रहे थे, मगर उससे हमें ये नहीं पता लग रहा था, जैसे अगर कोई हमें नया प्रॉब्लम दिया जाएगा तो शायद हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक लगना है, क्योंकि अभी तो हमें वो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा था, अभी तो डायरेक्ट लाइन से आए जा रहे थे। जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर, फिर सब्स्टिट्यूशन के सवाल, फिर बाय पार्ट्स पर, बाय पार्ट्स के सवाल। मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग लगेगा, दो तीन टॉपिक्स को मिलाकर भी सवाल बन सकता है और काफी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं। तो कल अपने मैराथन में मैं डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उससे पहले जरा सा 15-20 मिनट में खुद को मैराथन के लिए तैयार कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, एक बार बहुत ही ज्यादा क्विक ग्लांस पर अभी तक हमने जो जो पढ़ा वो सब देख लेते हैं, है ना। एकदम क्विक ग्लांस पे 15-20 मिनट में हमने पिछले 15 दिन में जो भी टॉपिक्स पढ़े वो सब वापस से झटपट पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। यू आर विथ मी गाइज, कम ऑन। चलो तो हमने शुरू किया था अपना सफर
इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के साथ। एक बार मैं बेसिक सा बता देती हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो सीबीएसई टर्म 2 मैथमेटिक्स के बोर्ड में 3 सब टॉपिक्स आने वाले हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D और प्रोबेबिलिटी। इंटीग्रल कैलकुलस में 4 मेन सब टॉपिक्स हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने शुरू किया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से, फिर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 18 आउट ऑफ 40 मार्क्स के साथ सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है जो हमसे पूछा जाने वाला है। तो बच्चों, अब यहाँ पे बात यह है कि ऐसे इंटीग्रेशन से लोग काफी ज्यादा डरते हैं। जी हाँ, बहुत लोगों को टफ लगता है, पर आपने और मैंने देखा कि अगर स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाए बिल्कुल बेसिक से, तो इंटीग्रेशन से ज्यादा ब्यूटीफुल और यूजफुल पूरे मैथ्स में कोई और टॉपिक नहीं है। इनफैक्ट अपने IIT के अभी तक के 2 साल की पढ़ाई में भी मैंने दोनों ही साल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज किया है, और डेफिनेट इंटीग्रल्स का भी, इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी, तो बेसिक और एरिया अंडर कर्व्स का भी, बेसिकली पूरे इंटीग्रल कैलकुलस का यूज होता है इवन आफ्टर क्लास 12। तो मैथ्स ली है तो इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए, और हमने देखा कि इंटीग्रेशन आना भी काफी आसान सा चीज है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आप ऐसे थे, इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आप ऐसे हो गए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पूरी दुनिया ही पलट गई, पर इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन से पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, और उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ के आपको पता चला कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट जस्ट द उल्टा पुल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां से हमारे पास हमारे पहले टॉपिक की डेफिनेशन आई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हमने पढ़ना शुरू किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। अगर याद होगा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सरल शब्दों में ये कहता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली अगर किसी कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो उस स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। अब तो ये बहुत बेसिक सी चीज लगने लगी होगी, इतना सब कुछ पढ़ के तो ये बिल्कुल ही ऑब्वियस लगने लगा होगा, मगर याद कीजिए जब आपने पहली बार ये सुना था, इसे ही समझने में हमें एक क्लास पूरा लग गया था। इसे आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमने सिंबल्स और उसके टर्म्स और मीनिंग्स देखे थे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेंड बोलते हैं, जिसे इंटीग्रेट किया जाता है उसे इंटीग्रेंड बोलते हैं, एक्स इन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने बताया था, अलर्ट पॉइंट था, डी के बाद जो एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाला एक्स नहीं है, ये डी के बाद जो एक्स है उसे हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, वर्ब को हम इंटीग्रेट करना कहते हैं, ठीक है। और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो बेसिकली आ रहा है उसे हम इंटीग्रल कहते हैं, और ये जो सी है उसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है ठीक है, ये सब तो पता चल गया होगा। उसके बाद आया था कि कैपिटल सी यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का महत्व क्या है। 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर, सब कुछ ही 2x का इंटीग्रेशन होगा, करेक्ट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि बेसिकली कोई भी ग्राफ को अगर हम y एक्सिस पर ऊपर नीचे करते हैं, y एक्सिस पर ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे किसी एक पॉइंट पे x, किसी एक वैल्यू ऑफ x पे, किसी एक वैल्यू ऑफ x पे, ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये वैल्यू, x की वैल्यू हर जगह सेम है, y डिफर कर रहा है, वहां पे टैंजेंट डालेंगे तो टैंजेंट्स के स्लोप बराबर होंगे। सेम वैल्यू ऑफ एक्स पे टैंजेंट्स के स्लोप बराबर होंगे, और टैंजेंट का स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बराबर होगा, और स्लोप बराबर होने का मतलब टैंजेंट्स पैरेलल होंगे, करेक्ट, को इंटीरियर एंगल्स है ये। तो ये था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस। उसके बाद था ये
हार्ड प्रॉब्लम इक्वल्स टू सम ऑफ मेनी स्मॉल प्रॉब्लम, जिसमें मैंने जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बताया था. इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स. तो इसका क्या मतलब था, एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है. अब यहां से देखना शुरू करते हैं. एक्स मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, डी ऑफ एक्स मतलब एकदम छोटू सा एक्स, इतना छोटा कि टेंस टू जीरो, ठीक है. अब एफ ऑफ एक्स मतलब इसके करेस्पोंडिंग जो वाई की वैल्यू है. अब ये इतना छोटा है, डीएक्स इतना छोटा है कि वाई की वैल्यू को हम कांस्टेंट मान सकते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली हम इसे रेक्टेंगल मान के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिलेगा, इस छोटे से पतले से स्ट्रिप का एरिया मिलेगा. अब उसे इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ऐसे कई एक्स का, फॉर एग्जाम्पल जीरो से इंफिनिटी हम अगर कर, या फिर जीरो से ये कोई पॉइंट है ए, जीरो से कोई पॉइंट ए तक हम डीएक्स लेते जाएंगे तो जीरो कुछ 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 ऐसे करके पूरा यहां तक कवर होगा और हर एक वैसा स्ट्रिप का एरिया ऐड होते जाएगा. तो बेसिकली हमें इस कर्व के अंदर का पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आया था फॉर्मूले, जैसा कि आपने देखा कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस लगा लो, फॉर्मूले हर जगह काम आने ही आने हैं, ठीक है. फॉर्मूले तो हर जगह लगेंगे. तो फॉर्मूले ऑफ फेमस इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन वॉज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स था, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स था, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का टैन एक्स था. ये सब तो अब याद हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत बार यूज किया था. मैंने बोला था कि अगर फॉर्मूले एक बार में याद नहीं भी हो रहे तो भी चिल कीजिए क्योंकि आगे जाके फॉर्मूले याद हो जाते हैं. sec square x का tan x, cos x square x का minus cot x, sec x tan x का sec x, cos x cot x का minus cos x, dx by root over 1 minus x square का sin inverse x, dx by root over 1 minus x square का minus cos inverse x. ये सब हमने basically देख लिया था, ये formula की list थी. अगर कोई भी problem हो formula में तो please एक बार आप मेरा previous video देख लीजिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या थी, सबसे पहले तो ये थी कि एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन साइन पर इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है. तो बेसिकली इसे लीनियर प्रॉपर्टी भी कहते हैं हम, ये हो जाएगा, ठीक है. आसान सा था. उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे इस पे. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी, वो ये थी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स डीएक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स अपॉन वन बाई ए. एक्स के साथ जो कोफिशियंट होगा वो 1 बाई ए में आ जाएगा, वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ठीक है. तो इसलिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है साइन 2x का इंटीग्रेशन, मतलब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस कॉस 2x इंटू 1 बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा. तो उसके बाद हम फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे थे. ये वैसा था जिसमें डायरेक्ट देख के लग रहा था कि फॉर्मूला नहीं लगेगा. इनफैक्ट ऐसे इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चंस में होते हैं कि हमें लगता है कि फॉर्मूले नहीं लगेंगे, फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगे, मगर फॉर्मूले होते हैं, ठीक है. तो इसमें कैसे फॉर्मूले अप्लाई करे थे हमने, एक्स माइनस वन को डिवाइड कर दिया था, मतलब ऊपर वाले, मतलब बेसिकली हमने पॉलिनोमियल डिवीजन किया था. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन
प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, न्यूमरेटर को मैं लिख रही हूँ तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन कट जाएगा तो हमारे पास फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसे इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है. ठीक है, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट. तो ये पहली बार में करने में हमारी हालत खराब हो गई थी, मगर इतने प्रैक्टिस के बाद अब हम जल्दी जल्दी इन सबको कर सकते हैं. एंटी डेरिवेटिव इज जस्ट अनदर नेम फॉर इंटीग्रेशन कमिंग फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव कहते हैं, तो उसके अपोजिट को एंटी डेरिवेटिव कहेंगे. एंटी डेरिवेटिव ऑफ, इसका एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना था x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ का, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था. तो इसी तरह से हमने काफी सारे क्वेश्चंस इस पर किए थे. अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसे आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल दीज क्वेश्चंस वर रियली रियली नाइस, अगर किसी ने भी कोई भी ऐसा है जिसने क्वेश्चंस नहीं किए हैं या नहीं देखे हैं, तो प्लीज एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाकर और सारे क्वेश्चंस फटाफट कल के मैराथन से पहले लगा लीजिए. ठीक है, अगेन इसमें सीधे डिवाइड करना था, 3 इंटू रूट एक्स माइनस 5 इंटू एक्स रूट एक्स, यानी कि x की पावर 3 बाई 2, अगेन इसमें डिवाइड करना था. ये वाला था, ये वाले में हमने क्या देखा था, दिस वॉज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें हमने देखा था कि इस फॉर्म का कुछ भी हमने पढ़ा तो नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूले में, मगर 5 cos x अपॉन 2 sin स्क्वायर x, बेसिकली प्रॉपर्टी लगा दो कि प्लस पे इंटीग्रेशन डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस 6 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx बाय 2 है नीचे. ठीक है, क्लियर गाइज? कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, वैसे नहीं होना चाहिए. चलो, तो दिस इज नथिंग बट 5 बाई 2 बाहर निकाल लो, कॉस बाई साइन इंटू साइन, यानी कि कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स डीएक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन बाई कॉसिस टैन एक्स सेक एक्स डीएक्स, करेक्ट करेक्ट. चलो, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स था नेक्स्ट, और ये तो आपको जैसा कि पता होगा हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगा दी थी. कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे डायरेक्ट अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा के कटकुट हो जाएगा और बहुत आसान सी चीज हमें मिलेगी. उसके बाद देखो, बेसिकली इंटीग्रेशन बच्चों को टफ क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि कब कौन से मेथड से इंटीग्रेट होगा, करेक्ट. तो उसका सोल्यूशन याद रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले चेक करो कि फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लग रहा है क्या. अगर डायरेक्ट लग रहा होगा तो उसको लगा के खत्म करो, करेक्ट, उसमें और कुछ नहीं करना. अगर नहीं लग रहा है तब ये 3 तरीके आएंगे, इन 3 में से कोई ना कोई एक लगेगा, राइट. और इन 3 के अलावा बस 2 बातें याद रखनी है, 1 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाना, और दूसरा इंटीग्रेशन यूजिंग सम पार्टिकुलर फॉर्मूले लगाना. ठीक है, क्लियर है? तो मेथड्स ऑफ, तो इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कब लगता है, मैंने बार बार बोला है, सब्स्टिट्यूशन कब लगता है, अगर हमें पूरे में कहीं पे कुछ टर्म दिखे और उसी टर्म का डेरिवेटिव भी दिख जाए, तो ऑलमोस्ट 100% सर्टेन है
कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही लगना है। तुरंत एफ ऑफ एक्स को टी बोलकर एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी बोल देंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले चेक करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर इंटीग्रेशन बाय ऑफ कोर्स आफ्टर फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज, अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, उसके बाद हम जाएंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस पर। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई रैशनल पॉलिनोमियल होता है जिसे हमें इंटीग्रेट करना होता है, मतलब p ऑफ x अपॉन q ऑफ x का कोई फॉर्म होता है जो कि डायरेक्टली पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब q ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, q ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तब लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। और लास्ट में जब हमारे पास इसमें से कुछ नहीं लगता है, हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना होता है, तब लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एम आई वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हमें दो बातें याद रखनी है, पहला कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिख रहा है तो मन में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक बार जरूर ले आना, क्योंकि अक्सर जब टी रेशियोज होते हैं तो कोई ना कोई उसकी प्रॉपर्टी वहां लग रही होती है। उसके बाद इन तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज। पर्टिकुलर फॉर्मूले की जो लिस्ट थी, हमारे पास टोटल 6+3 9 टोटल पर्टिकुलर फॉर्मूले थे जो डिराइव तो इन्हीं तरीकों से होते थे, मगर उनका डेरिवेशन करना मुमकिन नहीं है पेपर में। अगर आपको याद होगा तो उसमें से 6 थे जो डिनोमिनेटर में आते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² 1/√x² + a² 1/√x² - a² और 1/√a² - x² और 3 थे जो न्यूमरेटर में ही आते थे, √x² + a² √a² - x² √x² - a² ये 9 फॉर्मूले की प्रॉपर्टीज, ये 9 फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर अगर 2 मिनट में किसी को एक्सप्लेन करना है तो वो 2 मिनट में क्या एक्सप्लेन होएगा, कि सबसे पहले चेक करो कि फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लग रहे हैं या नहीं, उसके बाद देखो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग रहा है या नहीं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगने का तरीका कि कहीं भी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाए तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तीसरा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस चेक करो, अगर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस लगेगा। और लास्ट में चेक करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होएगा तो लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें से कोई एक पार्ट ऐसा होगा जो इजीली इंटीग्रेबल होगा, एक पार्ट ऐसा होगा जो इजीली डिफरेंशिएबल होगा। और इन सब के अलावा दो बातें याद रखनी है, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, कि अगर कुछ ऐसा होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिख रही है तो आइडेंटिटीज याद रखना कि आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं। और दूसरा होता है पर्टिकुलर फॉर्मूले जो 9 हमारे पास है, 6 डिनोमिनेटर वाले 3 न्यूमरेटर वाले, इस पूरे पे ही आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा बेस्ड है, करेक्ट। एक बार मैं फिर से पूरा का पूरा कल रिव्यू कराऊंगी, लेकिन आज एक बार उससे पहले जरा सा देख लेते हैं, क्योंकि कल मैं इससे भी बहुत ज्यादा जल्दी करवाऊंगी, क्योंकि कल स्टार्टिंग के ही 15 मिनट में जल्दी से खत्म करके हमें टॉपिक क्वेश्चन शुरू करने हैं। उसके बाद आया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली मैंने कहा था कि जैसे ही कोई एक एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी अक्सर लोगों को फालतू में कंफ्यूज कर देती है। अब ये क्वेश्चन, इसमें मुझे x² और उसका डिफरेंशिएशन 2x dx दिख गया, बिना कुछ सोचे x² को t ले लो,
2x dx को dt ले लो। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तो अब तो ये सब तुरंत हो जाना चाहिए। cos t dt, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें फॉर्मूला मिला था cot x और tan x का। cot x का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cos, याद रख लेना बच्चों, डिराइव करने के चक्कर में मत जाना। हालांकि इसका डेरिवेशन भी काफी आसान है, मगर फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड याद रख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log sin x प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू log cos x माइनस cot x प्लस c। उसके बाद आए थे क्वेश्चंस एक एक करके धराधर जो कि हमने देखा था। अब ये देखिए कि प्रैक्टिस के बाद आपसे कितनी जल्दी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, mx को t ले लो, तो m dx equals to dt implies dx is equal to 1 by m dt, ठीक है। तो ये बेसिकली sin t dt 1 by m का इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x t dt, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। ये वाला रूट x दिख रहा है 1 by रूट x, तो 1 by 2 into 2 कर दो, 1 by 2 रूट x, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स को टी ले लो, 1/2 रूट एक्स डी एक्स को डी टी ले लो, तो इज इक्वल टू 2 टैन की पावर 4 टी sec स्क्वायर टी डी टी, करेक्ट। अब टैन दिख रहा है, उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, टैन को ले लो वाई, टैन टी को ले लो वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2y की पावर 4 dy sec square t dt हो जाएगा dy। दो बार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियसली लगाते गए सेम तरीके से। अगेन यहाँ tan inverse x दिख रहा है, नीचे 1 plus x square दिख रहा है, tan inverse x को ले लो t, sin t dt का इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन में यही करते हैं कि जहां हमें कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सेम जगह पे दिख रहा होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। चलो इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ये सारे थे सेम टू सेम, सारे के सारे तरीके थे, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार जाके देख लो। e की पावर 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 3 e की पावर 3x, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1/3, इसको t, तो ये पूरा dt, ठीक है। ये सारे काफी आसान से सवाल थे, ठीक है। ये सब sec x का डिफरेंशिएशन है, sec x tan x, तो ये सब मैं आगे बढ़ाती जाती हूँ। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो प्लीज मेरी वीडियो जाके एक बार देख लो, वहां डिटेल सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। उसके बाद आया था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसमें क्या था, हाँ, इसमें हमें क्या करना होता था कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले लगाने होते थे ताकि नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म्स को हम इंटीग्रेबल में कन्वर्ट कर सके। इसमें भी अगेन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कॉस स्क्वायर एक्स को हमने कॉस 2x के टर्म्स में लिखा था, साइन क्यूब एक्स को हमने साइन 3x के टर्म्स में लिखा था, यहाँ पे जो प्रोडक्ट था उसे हमने सम में कन्वर्ट किया था यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हमने काफी कुछ किया था। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज एक बार जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। काफी क्वेश्चंस किए थे, आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत प्रैक्टिस किया है,
हर टॉपिक में लगभग हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं विच सम्स अप द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अबव 100, ठीक है, और लगभग उतने ही क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो कल के मैराथन से पहले अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट है तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्लीज, ठीक है। अब ये है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इसमें मैंने बताया था कि ये तीन फॉर्मूले हैं और ये तीन फॉर्मूले हैं डिनोमिनेटर वाले में, ठीक है, और इन तीन फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर में चीजों को कन्वर्ट करते थे, जिसका तरीका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 लेना, 2x क्रिएट करना और फिर स्क्वायर टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करना। अगेन एक बार मैं फिर से कल बता दूंगी थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ये सारे थे, इसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये सब बहुत ही आसान सवाल थे। उसके बाद आया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बेसिकली समझाने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम एक काम करते हैं कि आज एक दिन में इतना ज्यादा कवर करना मुश्किल है, तो कल का बेसिकली मेरा प्लान ये है कि मैं 4 घंटे का मैराथन लूंगी और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग के 30 से 40 मिनट्स में पूरे इंटीग्रेशन की थ्योरी देख लेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था वो सब हम देख लेंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जाने से पहले, डेफिनिट इंटीग्रेशन में जाने से पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम पूरा पूरा मास्टर कर लेंगे, ठीक है। चलो तो कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, स्टे होम एंड स्टे सेफ बच्चों, बाय बाय।